गुड इवनिंग चिल्ड्रन, क्लास 11। प्रीवियस लेक्चर में हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज समझी है ना। आपको मैंने फॉर्मेट बताया पीरियोडिक टेबल का। आज हम बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। देखिए, स्पेशली मैं आपको बता दूं, अभी तक जो लेसन पढ़ाया हमने, मतलब ये एफ ब्लॉक को मिला के, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब ये है कि ये जनरल पॉइंट्स हैं, मतलब डी ब्लॉक कौन है, एफ ब्लॉक कौन है, पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है, मतलब बहुत जनरल चीजें हैं। आगे जो लेसन पढ़ने वाले हो, अभी शुरू करूंगा मैं, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो इम्पोर्टेंट है, वो हमें ध्यान से सीखना है, बिकॉज वही नॉलेज आपकी ट्वेल्थ में आपके साथ जाने वाली है। सही है। देखिए, ये ऑलरेडी जानते हो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एन माइनस टू एफ ऑर्बिटल। बी में क्या लिखते हो आप, एन माइनस वन ऑर्बिटल। एफ में क्या लिखोगे, एन माइनस टू एफ ऑर्बिटल। मैं बताऊंगा क्या रीजन है। इसीलिए हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये डेफिनेशन आपकी आ सकती है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वाई क्यों बोलते हैं इनर ट्रांजिशन, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन फील होता है एन माइनस टू एफ ऑर्बिटल। टू ग्रुप्स जनरली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में होते। देखिए, आपका जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, टू ग्रुप्स में डिवाइड होता है, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। नीचे टेबल लगी होती है टू, दे आर कॉल्ड लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया आपको, लेक्चर टू या थ्री में, कहां से कहां तक लेंथेनॉइड है और कहां से कहां तक आपका एक्टिनॉइड है। देखिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है आपका एन माइनस टू एफ वन टू फोर्टीन, एन माइनस वन डी जीरो टू वन एंड एन एस टू। ये पूछेगा आपसे इलेवेंथ में, ये कोई नहीं पूछने वाला है बीच के, या ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है या ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सही है। एन माइनस टू वन टू फोर्टीन क्यों, बिकॉज एफ ब्लॉक कैरी 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक एक करके बनेगा एन माइनस वन डी जीरो से वन और एन एस टू। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनॉइड्स आर कॉम्प्लेक्स, मतलब एक्टिनॉइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज टफ होती है, किससे, लेंथेनॉइड से, बिकॉज एक्टिनॉइड शो मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, हाईली हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, एंड दे शो मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जनरली क्या शो करते हैं एक्टिनॉइड्स, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव, प्लस सिक्स भी शो करते हैं, कई बार प्लस सेवन भी शो करते हैं। इसलिए जो केमिस्ट्री होती है एक्टिनॉइड्स की, वो बहुत टफ है। इवन अभी भी टू या थ्री एलिमेंट्स की केमिस्ट्री हम डिस्कस कर पाए। एक्टिनॉइड्स रेडियो एक्टिव होते हैं, बताइए मैंने, नेपच्यूनियम से लॉरेंशियम, ये एक्टिनॉइड के मेंबर है। नेपच्यूनियम टू लॉरेंशियम 11 एलिमेंट्स मेन मेड है। ये पूछेगा आपसे, ये जो प्रॉपर्टीज मैं टिक मार रहा हूं, ये आपके इंपॉर्टेंट है 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो कोई भी टू पॉइंट्स पूछेगा, आपको लिखना है। अच्छा, एक चीज और, सीबीएसई ने सर्कुलर को इश्यू करा है, आपके एग्जाम मल्टीपल चॉइस होंगे, ओपन बुक असेसमेंट होगा, तो मल्टीपल चॉइस में ये आपको हर एक लाइन ध्यान से पढ़नी है। सही बेटा। तो ये आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन देखिए आगे बढ़ने से पहले, है ना, मतलब जो जो काम का है बहुत दमदार है, वो मैं आपको बता रहा हूं, मतलब पढ़ा तो मैं पूरा ही रहा हूं, लेकिन वो जो क्या आना है आपके 11 12 के स्टैंडर्ड, वो देखिए। आपको बोला किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 35 है, ओके, आपको बताना है इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है और इस एलिमेंट की पेरियोडिक टेबल में पोजिशन क्या है। मेरे अगर आपने लेक्चर देखे हों तो मैंने आपको बोला था पेरियोडिक टेबल में आप फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट ध्यान रखिए। बस अगर आपको फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट पता है, कोई ट्रबल नहीं है, आपको याद ही नहीं करना है टेबल, क्यों याद करें, क्यों रट्टालॉजी करें, साइंस रखने का काम नहीं है। अब देखिए, फर्स्ट पीरियड में क्या होता है, 1 से 2, थर्ड सेकंड पीरियड में लिथियम से नियॉन, थर्ड में सोडियम से आर्गन और फोर्थ में 19 to 36 क्रिप्टन। अब अगर ये 36 है तो 36 कहां आता है बेटा, 18th ग्रुप के पास। सही है। अब ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से देखना, अगर 36 वो है तो 35 कहां आएगा, यहां आएगा, इस जगह 35 आएगा।
अब 35 यहां आएगा आपका, तो देखिए मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं आपको समझाने के लिए, दिक्कत ना हो आप। ये 18, ये 10 और ये हीलियम, सही बना, ये 2 हीलियम, नॉन और ये आर, सही बना। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए आप, यहां तो कुछ होता नहीं, ब्लैंक है। अगर ये 36 है तो इसके ऊपर वाले एलिमेंट भी इसके जैसे होंगे। ट्रिक से सॉल्व करिए इसको, ट्रिक से हो जाएगा बिल्कुल इजी। ये अगर 10 है तो यहां कौन होगा 9, और 9 कौन होगा आपका फ्लोरीन, इतना तो पता ही है आपको, सही है। अब ये क्या होता है, क्लियर, ये होता है n इक्वल 1, n इक्वल 2, n इक्वल 3, n इक्वल 4, सही। फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, या हम आता ही ये बनाना हमें, तो आप फ्लोरीन के लिए क्या लिखोगे, 9 के लिए 1s2, 2s2, 2p5। अब ध्यान से देखो, 2s2, 2p5, ये k शेल कंप्लीट आपका। अब देखिए, अगर ये 2s2, 2p5 वाला है तो ये 1s2 किसके लिए ही है, ये 1s2 है आपके हीलियम के लिए। तो नई ट्रिक से हम जब लिखेंगे इसको, तो हम क्या लिखेंगे, यस पूरा बताता हूं, चलिए मैं आपको, ये 1s2, थोड़ा फ्लोरीन के लिए लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, फ्लोरीन, 1s2 का मतलब क्या हो जाएगा, हीलियम। इससे पहले बताया था मैंने चैप्टर 1 में, आगे लिखोगे 2s2 2p5, 2s2 2p5 क्यों लिखा, बिकॉज ये सेकेंड पीरियड में आ रहा है। अब अगर ये फोर्थ पीरियड में आ रहा है तो 35 को आप कैसे लिखोगे, 35 से पहले कौन सा यूनिट गैस है, आर्गन, तो आप क्या लिखोगे, आर्गन, क्लियर। 4 है यहां तो आप क्या लिखोगे, 4s2 4p5, ये 35 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, बिना रट्टा लॉजिक करे आपका फॉर्म हो जाएगा, आपको रटने का जरूरत नहीं है। तो ये तो क्या बना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ऐसे नहीं करोगे तो आपको लंबे लंबे कॉन्फिगरेशन लिखने पड़ेंगे, वो लंबी चीज है। अब देखिए पोजीशन क्या है, अगर ये ग्रुप 18 है तो ये ग्रुप कौन सा होगा, 17, तो आप क्या लिखोगे पोजीशन में, इसका ग्रुप 17 है और पीरियड मान लो 1 2 3 4, फोर्थ पीरियड में है, आप क्या लिखोगे, इसका पीरियड फोर्थ है। ऐसे आपको सॉल्व करना है एंड यू विल स्कोर 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स का है। अब एक थोड़ा टफ वाला करते हैं, चलिए सेम करेंगे बट टफ करेंगे। सेम क्वेश्चन है, सेम कैटेगरी का, एक और देखिए ना, थोड़ा टफ कर रहे हैं ना, उससे देखिए क्या है। आपके पास एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 116 है, आपको बताना है इसका पोजीशन, मतलब ग्रुप बताना है, पीरियड बताना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताना है। अब कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपने ट्रिक से सॉल्व नहीं करा तो आपने कहा मैं तो 118 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूंगा तो आप पागल हो जाओगे, लिखना नहीं आएगा। आप पूरा सोचेंगे मैं 118 या 116 के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने बैठ जाऊं, नहीं लिख पाओगे। तो ट्रिक से ही होगा, होना है तो ट्रिक से होगा वरना नहीं होगा। देखिए ये पैटर्न आपको याद रखना है, टेबल पूरा याद नहीं रखना है, 1 से 2 3 10 11 18 19 से 36 है, रूबीडियम 37 से 56 है, सीजियम 57 से 86 है, फ्रेंशियम 87 से 118 है। और एलिमेंट्स को लर्न करने का सिंपल ट्रिक भी है, जैसे हाइड्रोजन वाली लाइन आपको लर्न करनी है तो क्या लिखोगे, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की है मतलब एच, ली मतलब एल आई, ना मतलब एन ए, की मतलब के, रब मतलब आर बी, से मतलब सी एस, एफ आर मतलब फरियाद। सिमिलरली आप हीलियम वाला क्या लिखोगे, हेलन, नीलिमा और करीना, जिनेवा की रानियां। फिर सुन लो, हेलन, नीलिमा और करीना, जिनेवा की रानियां। 118 तो ब्लैंक है, अनडिस्कवर्ड है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, सही है। तो आपको 116 एलिमेंट बताना है, तो कहां आएगा 116। देखिए ये जो ग्रुप है आपका, ये पूरा, ये कौन सा ग्रुप है आपका, 18th, सही है। यहाँ कौन सा आएगा, 17, तो 17 में कौन आएगा, 117 और 116 आएगा यहाँ, तो
तो ये किस ग्रुप में आएगा? 16th में। अब देखिए, नियॉन से पहले कौन है? फ्लोरीन, और फ्लोरीन से पहले कौन है? ऑक्सीजन। अगर आपने ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख दिया, इसका भी अपने आप लिख देंगे कैसे करके निकाल। जैसे हम ऑक्सीजन का लिखे एट करके निकाल, थोड़ा वेट करते हैं। ये देखिए आप, तो ट्रिक बताई थी मैंने, तो मैंने क्या बोला आपको, अगर 116 आपका 16th ग्रुप में आता है तो नियॉन के पहले चलिए, फ्लोरीन ऑक्सीजन मतलब उसी ग्रुप का है, इसलिए मैंने कहा था। अगर 30 तक भी आपको लर्न है, समझो आपकी पूरी टेबल आपके टिप्स पर है। अब देखिए ऑक्सीजन को आप कैसे लिखोगे, कैसे लिखना है ऑक्सीजन? 1s2 2s2 2p4। अब देखो 1s2 हीलियम का होता है, तो आप क्या लिख दोगे? O8 हीलियम 2s2 2p4। सही है, 2s2 2p4 क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये सेकंड ग्रुप में आ रहा है। अब आपको लिखना है 116 का, 116 के पहले कौन से यूनिट गए से? रेड ऑन, तो आप क्या लिखोगे? 116 इक्वल रेड ऑन। सही है, अब रेड ऑन कौन से पीरियड में आ रहा है? 6 में, तो यहां क्या लिख दोगे? 6s2 6p4। ये क्लियर? तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। एक और चीज ध्यान रखनी है जो स्पेशल है। अब देखिए इस n=7 में बीच में d ऑर्बिटल भी आता है और एक f ऑर्बिटल भी आता है। याद करिए यहां कौन कौन आएगा? d भी आएगा और f भी आएगा। अब d और f आने की वजह से, अब देखो ये तो लिखी थी हमने 6s2 6p4। अब d के लिए क्या होता है? n-1। f के लिए क्या होता है? n-2। तो d के लिए क्या लिखोगे? 5d10। n-1 है, f के लिए क्या होता है? n-2। n क्या है? 6 है। अब क्या लिख दोगे? 4f4। ये ध्यान रखना, जो ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं वो लिखेंगे ये, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा वो लिखेंगे। तो 116 का क्या होगा? rn 5d10 4f14 6s2 6p4। जो न्यू स्टूडेंट है, इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला वो वीडियो देखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से हंस रूल वगैरह सब है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग मैंने बताया, क्वांटम नंबर बताया मैंने, क्वांटम ये आपका क्या बोलते हैं उसका एक मॉडल है आपका लास्ट, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, वहां से देखना पड़ेगा आपको, तब जाकर आपके समझ में आएगा। इसीलिए इससे पहले तक का लेक्चर जल्दी देखकर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करिए, स्पेशली न्यू कमर्स के लिए, है ना। तो 5 को लिखा मैंने, n इक्वल 6 था आपके पास, और b के लिए क्या लिखते हैं? n-1, तो क्या हो गया? 5d10। f के लिए क्या लिखते हैं? n-2, तो 6-2 क्या होगा? 4f14। यहाँ 10 और 14 क्यों लिखा? बिकॉज d में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10, और f में कितने होते हैं? 14। क्वेश्चन अगर d और f क्यों लिखा? बिकॉज यहां से यहां तक इसके बीच में क्या होता है? d ऑर्बिटल भी आता है और f ऑर्बिटल भी आता है। देख लेना आप टेबल में एक्टिनॉइड यहाँ होते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको करना है। चांस कम है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे इतना भारी, अगर दे दे तो भी आप कर लेना, कोई बड़ा मैटर नहीं है करने में। देखिए यहां से ये चैप्टर आपके क्लास 12th के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तक जो हमने पढ़ा है वहां से क्वेश्चन अगर आना है तो 1 या 2 मार्क्स में आना है, बट इसके बाद पूरा चैप्टर इम्पोर्टेंट है। देखिए लिखा भी है मैंने, इम्पोर्टेंट फॉर क्लास 12th एंड जी। टॉपिक है पेरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, मतलब पेरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर या टॉप से बॉटम जाने पर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कैसे चेंज होती है। तो देखिए क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है, देखिए When we go left to right, हम क्या लिखते हैं? Size of atom decrease, therefore nuclear force। देखिए तो ये क्या है आपका metal and non-metallic behavior। हमने क्या बोला? When we move left to right, size of atom decrease, पढ़ा हुआ है आपने क्लास 10th में। साइज ऑफ एटम डिक्रीज क्यों होगा? बिकॉज इलेक्ट्रॉन फील्स इन सेम शेल, देयरफॉर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज।
न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन गेन बिहेवियर इंक्रीज। सही है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। तो आप क्या लिखोगे, नॉन मेटल बिहेवियर इंक्रीज। ये रीजन है पूरा बेटा। अगर ये क्लियर हो गया समझो पूरा चैप्टर क्लियर है। सिंपल बोल रहा हूं अभी एक लाइन में, अगर ये पॉइंट क्लियर हो गए समझो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा आपको। ये अगर ये चैप्टर क्लियर है 12th के तीन चैप्टर आपके सॉल्व होंगे, एक नहीं है, पी ब्लॉक एस और डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट जो 12th में आपके। देखिए साइज कम हुआ एटम का व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट, न्यूक्लियस के पास आ गए इलेक्ट्रॉन्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा न्यूक्लियस का, और न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एलिमेंट कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने का कोशिश करेगा टू कंप्लीट ऑक्टेट। इसीलिए जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो देखिए लिथियम का वैलेंसी +1 है, बेरिलियम का वैलेंसी +2 है, +3, कार्बन +4 -4 दोनों नहीं शो करता है, क्या बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, नाइट्रोजन -3 -2 -1। तो वैलेंसी किस में चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस में, क्यों चेंज हो रहा है, इसी की वजह से चेंज हो रहा है। बट व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम उल्टा है बिल्कुल, साइज ऑफ एटम इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होता है, बिकॉज न्यू शेल इज एडेड, नया शेल जो होता है। सही है, जैसे यहां के शेल है के एल, यहां हो जाएगा के एल एन के एल एम एन, तो शेल जुड़ते चले जाएंगे ना पोटेशियम के लिए 2881 बनाते हो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो न्यू शेल जुड़ता है और न्यू शेल जुड़ने से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड इजीली। सही है, और जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स। तो हम क्या बोलते हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप टॉप से बॉटम पर चले तो टॉप से बॉटम चलने पर एटम का साइज बढ़ेगा बिकॉज न्यू शेल ऐड हुआ है, और एटम का साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे, और न्यूक्लियस से दूर जाने की वजह से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, एंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीज इलेक्ट्रॉन कैन बी रिलीज इजिली, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेटल, और मेटल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। अगर ये क्लियर है समझो पूरा चैप्टर आपका क्लियर है। सही है, तो अभी मैं आपको आज तक जो मैंने पढ़ाया है उसका उसके नोट्स शेयर कर रहा हूँ इमिडिएटली अभी आपको, और ये वीडियो लेक्चर देखना और घबराना मत, अगर थोड़ा बहुत अप एंड डाउन भी रहे मुझसे कंसल्ट कर लेना, फोन कर लेना मुझे, ना टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।